जिन फिल्मों में सलमान ने उतारा अपना लकी ब्रेसलेट, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। सलमान खान के लिए कैसे साथ ना होकर भी कमाल कर गया उनका ब्रेसलेट, इस वीडियो में आपको यही डिटेल देंगे। सलमान खान ने एक था टाइगर फिल्म में अपने ब्रेसलेट को दूर कर दिया था। शूटिंग के बाद सलमान उसे पहन लेते थे, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही उसे अलग कर देते थे। दरअसल एक था टाइगर में सलमान ने एक रॉ एजेंट का किरदार निभाया था, और रॉ एजेंट के हाथों में ब्रेसलेट सूट नहीं करता, इसलिए सलमान ने अपने हाथ से उसे निकाल दिया था। सलमान खान ने भारत फिल्म में भी ब्रेसलेट को खुद से अलग रखा था। हालांकि पूरी फिल्म में उन्होंने ब्रेसलेट नहीं उतारा था, सिर्फ नेवी के सीन के लिए ही सलमान ने उसे नहीं पहना। नेवी के नियमों के मुताबिक सफेद ड्रेस के अलावा ऐसा कुछ नहीं पहन सकते जो किसी फैशन का सिंबल हो, इसीलिए सलमान ने नेवी के नियमों का पालन किया था। प्रेम रतन धन पायो फिल्म में भी सलमान खान का ब्रेसलेट उनके फैंस ने मिस किया। फिरोजी रंग का ब्रेसलेट पूरी फिल्म में नजर नहीं आया। बताया जाता है कि सलमान खान ने इस फिल्म में ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसमें ब्रेसलेट नजर नहीं आना था, और ऊपर से उसे पहनते हुए हाथ फंस से रहे थे। लिहाजा सलमान खान ने फैसला किया कि प्रेम रतन धन पायो में ब्रेसलेट नहीं पहनेंगे। बजरंगी भाईजान फिल्म में सलमान खान का खूब धमाका दिखा, मगर इस फिल्म में उनका ब्रेसलेट नहीं दिखा। सलमान ने हनुमान जी का भक्त दिखने के लिए इस फिल्म में ब्रेसलेट के बदले गदा वाला लॉकेट पहना था। सलमान खान किक फिल्म में भी नए अवतार में थे, मगर उनकी इस फिल्म में भी ब्रेसलेट नदारद था। किक फिल्म में सलमान ने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना, ये तो सामने नहीं आ सका, मगर फैंस ने इसे खूब नोटिस किया। सुल्तान मूवी में सलमान खान पहलवान बने, मगर पहलवानी के लिए सलमान खान ने ब्रेसलेट उतार दिया। बताया जाता कि अखाड़े में कुश्ती के सीन में अगर ब्रेसलेट पहनते तो बेहद अजीब लगता, इसलिए सलमान ने कुश्ती के जितने भी सीन किए उसमें ब्रेसलेट को उतार कर ही शूट किया। सलमान खान ने दबंग सीरीज की पहली दो फिल्मों में भी ब्रेसलेट अपने साथ नहीं रखा था। सलमान ब्रेसलेट पहनकर शूटिंग के लिए जाते, मगर जैसे ही कैमरा ऑन होता तो ब्रेसलेट उनके हाथों से नदारद रहता। गौर करने वाली बात यह है कि सलमान खान की जितनी भी ये फिल्में हैं वो सभी हिट रही हैं, यानी ब्रेसलेट नहीं होने के बाद भी सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर छा गए। इसी के बाद कहा जाने लगा कि सलमान खान को किसी लकी चार्म की जरूरत नहीं, उनके फैंस ही काफी उनके गुड लक के लिए। सलमान की फिल्में उनके नाम से ही चल जाती हैं, उनके ब्रेसलेट से नहीं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है, और क्या सलमान खान की फिल्मों में आप ब्रेसलेट की वैल्यू को नहीं मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।